हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। Xiaomi ने अपना न्यू ब्लूटूथ ईयरफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है मी नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स प्रो। आज हम इसका पूरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले। अभी इसका प्राइस 1799 मतलब 1800 रुपीस से। अगर आपको ईयरफोन परचेस करना है लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अंदर आपको ANC एंड ANC जैसे आपको ड्यूअल नॉइस कैंसिलेशन का आपको फीचर मिलता है और देखो बहुत सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। इसको हम पूरा आगे में कवर कर लेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को आप लाइक करना और मैं इस तरह से न्यू ईयरफोन लॉन्च के बारे में, न्यू गैजेट के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी का अपडेट का वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है आप मेरे को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और हर बाइक की तरह ईयरफोन आप में से किसी का हो सकता है, उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट करना है इसी आपको सबसे बेस्ट फीचर्स के बारे में। और साथ में आप अपना ईमेल आईडी मेंशन करना मत भूलना, से मैं कांटेक्ट कर पाओ। और मैं इस गिव अवे का रिजल्ट 28 फरवरी को अनाउंस करने वाला हूं, सो आप थोड़ा वेट कर लेना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मी नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन प्रो का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। ये रहा मी नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स प्रो का बॉक्स है। फ्रंट साइड में आपको Xiaomi की ब्रांडिंग एंड मॉडल नेम लिखा मिलता है। बॉक्स के पीछे आपको इस ईयरफोन के सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको हम आगे वीडियो में चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग करते हैं, सबसे पहले आपको मिलता है यूजर मैनुअल। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया आपको मैनुअल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपको मिलता है एक्स्ट्रा ईयर टिप स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज का। साथ में आपको मिलता है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल अपने ईयरफोन को चार्ज करने के लिए। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट मी नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन प्रो जो आपको दो कलर में अवेलेबल है, ब्लैक एंड ब्लू। मैंने इसको आपके लिए ब्लैक कलर में ऑर्डर कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन एंड मटेरियल क्वालिटी के बारे में। इस पूरे प्रोडक्ट का वेट 34 ग्राम है जो काफी लाइट वेट है, इसको आप आराम से ऑल डे यूज कर पाओगे। अगर बात करें मटेरियल क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है और नेक बैंड में काफी अच्छी क्वालिटी का रबराइज मटेरियल यूज किया जो आपके स्किन के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा। लेफ्ट साइड में आपको Xiaomi की ब्रांडिंग मिलती है और राइट साइड में आपको पूरा मीडिया कंट्रोल करने के लिए बटन मिलता है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए बटन मिलता है, पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिलता है। यहाँ पे आपको और एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है जिसका नाम है ANC ऑन ऑफ। इस बटन को क्लिक करके आप अपने ईयरफोन का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन या ऑफ कर पाओगे। यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है अपने ईयरफोन को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पे आपको और एक फीचर मिलता है, यहाँ पे आपको ईयरबड्स के अंदर आपको मैग्नेटिक लॉक मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ईयरबड्स की डिज़ाइन के बारे में। मैंने इसको पूरे 24 आवर्स तक यूज़ किया, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा। इसको मैंने रनिंग के टाइम, जिम के टाइम यूज़ किया, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल एंड सिक्योर फिट मिलता है। आप कितना भी मूवमेंट कर लो ईयरबड्स आपके कान में से बिल्कुल भी निकलने वाला है नहीं। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलती है स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज का, इसको चेंज करके आप उसको और भी कंफर्टेबल यूज़ कर पाओगे। अगर बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, इस ईयरफोन के अंदर ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी मिलती है। फर्स्ट टाइम अपने ईयरफोन को फोन या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस पावर बटन को 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करना है इस तरह से, और यहाँ पे ब्लू लाइट इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने फोन का ब्लूटूथ को ऑन कर देना है और यहाँ पे पेयरिंग डिवाइस पे क्लिक करना है। अभी पेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आकर मी नेक बैंड पर सिंपल को क्लिक कर लेना है, यहाँ पे अलाउ करके पैर पे क्लिक कर लेना है और आपका नेक बैंड सक्सेसफुली कनेक्ट होगा। यहाँ पे 90% बैटरी शो कर रहा है और जैसे इसको आप पावर ऑफ करते हो इस तरह से ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, और जैसे इसको वापस से आप ऑन करते हो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखो अभी ऑन हो गया और ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया जो काफ़ी आपको फास्ट पेयरिंग मिल जाता है। अभी हम बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। इस ईयरफोन के अंदर आपको 150 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने चेक किया, इसको फुल चार्ज करने के लिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद इस ईयरफोन को आप आराम से 18 से 20 घंटे तक यूज कर जो काफी अच्छा म्यूजिक प्ले टाइम है। इसको आप पूरे दिन में एक बार चार्ज करके आराम से ऑल डे यूज कर पाओगे, सो काफी अच्छा आपको बैटरी बैकअप मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर के बारे में जिसका नाम है ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। उसके लिए आपको अलग से एक बटन मिलता है, इसको भी हम ट्राई करते हैं लाइव। इसको सबसे पहले मैं पहनता हूं इस तरह से और यहाँ पे मैं आसपास में और एक साउंड प्ले करने वाला हूँ। ये रहा, पहले मैं ऐसे सुनने वाला हूँ, इसको आवाज में सुन लेता हूँ। अब मैं इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर रहा हूँ और ये रहा बटन। हाँ फील तो हो रहा है
अगर बात करें ANC के बारे में, इसको आप कंपेयर करते हो एयरपोर्ट्स के साथ या तो आप 6-7-8 हज़ार वाले ईयरफोन के साथ इतना तो इफेक्टिव नहीं, पर काफी आपको हेल्पफुल होगा म्यूजिक के टाइम, कॉलिंग के टाइम, सो ANC काफी आपको अच्छा फीचर मिलता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मीडिया कंट्रोल के बारे में। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फोन के वॉल्यूम को अप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके फोन के वॉल्यूम को डाउन कर सकते हो। इस वाले बटन को आप क्लिक करके अपने सॉन्ग को प्रॉस कर सकते हो, फिर से क्लिक करके अपने सॉन्ग को स्टार्ट कर पाओगे। यहाँ पे आप वॉल्यूम अप बटन को प्रेस एंड होल्ड करके आप अपने नेक्स्ट सॉन्ग में जा सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे आप वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके आप अपने प्रीवियस सॉन्ग में आ सकते हो। यहाँ पे आपको और एक फीचर मिलता है जिसका नाम है वॉइस असिस्टेंट। सिंपल आप इस पावर ऑन बटन को डबल क्लिक करके अपने फोन के गूगल एंड सीरी वॉइस असिस्टेंट को भी एक्सेस कर पाओगे, और यहाँ पे आप सिंपली इस बटन को क्लिक करके अपने कॉल को पिकअप कर सकते हो, रिजेक्ट कर पाओगे, जो काफी आपको इजी आपको मीडिया कंट्रोल मिल जाता है। सो अभी हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। ईयरफोन के अंदर आपको 10 mm के पावरफुल ड्राइवर में जो काफी आपको हाई क्वालिटी वाला एंड क्रिस्टल क्लियर साउंड प्रोवाइड करते हैं। मैंने इसको हर टाइप के सॉन्ग के साथ ट्राई करा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। अगर बात करें बेस के बारे में, इसमें काफी आपको डीप बेस मिल जाएगा। मैंने इसको कई सारे हाई बेस वाले सॉन्ग के साथ ट्राई करा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया, काफी आपको अच्छा बेस मिलता है। साथ में बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। कॉलिंग के लिए यहाँ पे आपको और एक फीचर मिलता है जिसका नाम है ANC एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, जिससे काफी आपको क्लियर साउंड सुनाई देता है और आपको कॉलिंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। सो इस ईयरफोन को आप म्यूजिक के लिए और कॉलिंग के दोनों पर्पस के लिए बहुत ही डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। और इस ईयरफोन में आपको लो लेटेंसी ऑडियो मिलता है, इसका मतलब इसको आप गेमिंग के लिए भी यूज कर पाओगे। यहाँ पे आपको IPX5 रेटिंग मिलती है, सो इस ईयरफोन को आप आउटडोर कंडीशन में किसी भी टाइप के वेदर में यूज कर पाओगे, और जिम के टाइम अगर कोई ज्यादा स्वेटिंग है तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो भी आपको इस ईयरफोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर आपका बजट 1500 रुपीज के आसपास है, इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, और इस वायरलेस नेकमैन को परचेस करने की लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करके गिव अ पार्टनर मत भूलना। अगर हम सब्सक्राइब कर लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।